मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी पेट्रोल की कमी की वजह से बंद हो जाती है। ज़्यादा चांस है कि आप नीचे उतर जाओगे और उसे धक्का लगाओगे या फिर आप किसी से मदद मांगोगे। लेकिन क्या होगा अचानक उड़ते हुए प्लेन में ईंधन खत्म हो जाए। 1983 में एयर कैनेडा 143 के साथ जब 41,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन का ईंधन खत्म हो गया। दरअसल एयरक्राफ्ट 767 में 22,300 किलो तेल भर रहा था। तेल भरने वाली टीम ने गलती से 22,300 पाउंड तेल भर दिया, जो 10 किलो तेल होता है। प्लेन 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी, तभी एक के बाद एक इंजन बंद हो गए। इंजन बंद होते ही प्लेन की ज्यादातर बिजली बंद हो गई, प्लेन के ज्यादातर कंट्रोल्स बंद हो गए। पायलट ने इमरजेंसी टर्बिनोचा का इस्तेमाल करते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया। आखिर में ये फाइनेंस हुआ कि उन्हें किसी भी तरह पुराने एयरफोर्स के रनवे पर लैंड करवाना है, लेकिन एयरफोर्स बेस पुराने होने की वजह से वहां के रनवे पर रेस हो रही थी। प्लेन के दोनों इंजन बंद होने की वजह से प्लेन में ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी। पायलट ने प्लेन की स्पीड को जल्दी से कम करने के लिए प्लेन को स्लिप खिलाना जरूरी समझा, इसलिए प्लेन के लैंड होते ही प्लेन का अगला टायर ब्लास्ट हो गया और प्लेन रनवे पर घसीटते हुए कुछ ही दूर जाकर रुक गया। प्लेन जहां रुका वहां से कुछ ही दूर आगे लोग साइकिल चला रहे थे, लेकिन इस हादसे की वजह से किसी को भी कुछ नहीं हुआ।